हे दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं साइंटेक बायोलॉजी। आजकल ज़्यादातर लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ गई है। बैड लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर डाइट और काम के अधिक बोझ के कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सामान्य बात है। इसके कारण हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक जैसी कई बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए और हम हाई कोलेस्ट्रॉल से खुद को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कोलेस्ट्रॉल एक मोम या फैट जैसा पदार्थ है जो कि लीवर द्वारा बनता है। हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल का उपयोग एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सहित कई अन्य तरह के हार्मोन तथा विटामिन डी और बाइल को फॉर्म करने में करता है। हमारे पूरे बॉडी का लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा बनता है, जबकि बचा हुआ हिस्सा हम डाइट के थ्रू लेते हैं। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल तीन प्रकार का होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल के बढ़ने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और आर्टरी से जुड़ी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। यह कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी में जमने नहीं देता और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से हमें बचाता है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है जो हमारे ब्लड में मिलता है। हमारा शरीर इस फैट का यूज कर एनर्जी को फॉर्म करता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डायग्नोस करने के लिए एक तरह का ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस ब्लड टेस्ट को हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कहते हैं। हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज 200 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड से कम होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा अच्छी मानी जाती है। इसकी मात्रा मेल में 45 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड से अधिक तथा फीमेल में 55 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड से अधिक होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी कम हो स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 130 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे हेल्दी रेंज 100 मिलीग्राम पर डीएल हो सकता है। हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड से कम होनी चाहिए। यदि ट्राइग्लिसराइड का लेवल अधिक होगा तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी अधिक होगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, जिससे हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाएगी। आइए अब ये जानते हैं कि किन कारणों से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। डाइट, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड या ट्रांस फैट जैसे कि रेड मीट, बटर, क्रीम, ऑयल इत्यादि खाने से कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट शरीर में बढ़ जाता है। वेट, अधिक वजन होने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, जिससे एलडीएल भी बढ़ जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज के कमी के कारण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके परिवार के सदस्यों को हाई कोलेस्ट्रॉल है या था तो यह आपको भी हो सकता है। जितना हो सके प्रतिदिन कम से कम सैचुरेटेड फैट खाएं। यह अमाउंट 50 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे कि सेम, मटर, ओट, भिंडी, नट्स, एप्पल इत्यादि खाएं। एक्स्ट्रा वेट को कम करें और अपना बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच रखें। जितना हो सके स्मोकिंग को कम कर दें या छोड़ दें। कम से कम प्रतिदिन 15 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।